आपने इस आदमी का ठेला बर्बाद किया और उसका बहुत सारा नुकसान हुआ है, इसलिए इसकी सजा मिलेगी। संतोष शर्मा, गिरफ्तार करो इसे। करिश्मा सिंह, आपकी बहन कब तक आ रही है? बस एक आध घंटे में मैडम सर आ जाएगी। करिश्मा सिंह, मेक श्योर कि सबको पता चल जाए कि वो आपकी बहन है। जी, इनकी तो कोई बहन ही नहीं थी, ये बहन कब पैदा हुई? अभी एक दो घंटे में जब आएगी तो आप सबको पता चल ही जाएगा। इनकी बहन बिल्कुल इनकी तरह है, हूबहू हमशक्ल, और अब वही ये केस सॉल्व करेगी। और हाँ भैया, आप बता दीजिए आपका कितना नुकसान हुआ है, अंदर आकर रिपोर्ट लिखवाइए ताकि हम इसकी भरपाई करवा सके। एक मिनट, आप ही हसीना मलिक है ना? जी। ओ, आप हैं। करिश्मा दीदी आपकी बहुत तरफदारी करती है, ये भी बताती है कि आप जज्बातों से बहुत चलती है, तो फिर ये रिपोर्ट काहे लिखवा रही है? ये भी जज्बात से सॉल्व कर दीजिए ना आप। देखो रवीना, हम जज्बाती हैं, बेवकूफ नहीं। अच्छे से जानते हैं कि किसे जज्बात की जरूरत है और किसे हवालात की। हमें पता चला है कि तुम अपनी बहन के नाम पर बहुत गुंडागर्दी करती हो। चलो थाने में, अंदर चल के हम तुम्हें फर्क समझाते हैं मान और अभिमान के बीच। ले जाओ इसे। और हाँ, करिश्मा सिंह को फोन करिए, कहिए हमें बात करनी है अर्जेंट। जी मैडम सर। चलो अंदर। चलिए। फास्ट चेंज करके आए मैडम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आपने हमें तत्काल में बुलाया और हमारी बहन आई उसके बाद ऐसे बुलाया, समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ, आई भी और हमने उन्हें लॉकअप में भी बंद कर दिया। का? हमारी बहन लॉकअप में पहुंच गई? इसे कैसे मैडम सर, समझ में नहीं आ रहा है, का हो गया, का किया उसने? आप ही की बहन है करिश्मा सिंह, आई और आते से ही भौकाल मचा दिया। एक बेचारा वो पानीपुरी वाला, उसका ठेला यहाँ रखा हुआ था, गिरा दिया उसे, सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो जिस भौकाल से वो आई थी, उसी भौकाल से हमने उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया। बेचारा, क्या कसूर था उस ठेले वाले का? उसका कसूर ये था कि उसका जीवन पानी नहीं, पानीपुरी था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ गए, हम जाके बात करते हैं उनसे। ठीक है, हम भी निकलते हैं, हमें भी काम है। हम भी निकलते हैं, संतोष जी का मोबाइल रिचार्ज करवाना है, बहुत भयंकर काम है हमको। एक चाय पिला फर्स्ट क्लास घटिया। बदनाम भाई, यार हमें एक बात समझ में नहीं आई, ये दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, हूबहू एक जैसी शक्ल है, रत्ती भर का फर्क नहीं इन दोनों में। और हमको भी एक बात समझ में नहीं आ रही है, अबे इससे पहले कभी वो यहाँ दिखी नहीं, आई क्यों? राइट, एकदम करेक्ट बात, क्या करने आई होगी? ए दोनों बागड़ बिल्ली, क्या फालतू में तुम जेम्स बॉन्ड बन रहे हो? हैं, और मोरपंख की क्या रही? अरे वो करिश्मा मैडम ने उसको बुलाया, वो हम शक्ल बहनों का केस सॉल्व करने के लिए। वो कहते हैं ना, जैसे कि लोहा लोहे को काटता है, वैसे हम शक्ल बहन हम शक्ल बहन के केस को काट देगी। वैसे क्या बात कर, वो काटती भी है। निकल निकल, अबे जाहिल गवार, अरे पकड़ो आएगी वो, इसीलिए बुलवाया ना। अच्छा, हम तो डर गए थे। चाय पिला, चल। कमाल का आइडिया है संतू, डीएसपी सर का इमोशनल वीडियो बनाकर मैडम सर को दिखाने का। मैडम सर को लगेगा डीएसपी सर उनके विरह में एकदम दीवाने हो गए हैं, उनके अंदर का प्यार जाग उठेगा, जज्बात तड़प उठेंगे, भड़क उठेंगे। पर पुष्पा जी, उनको मनाना आसान नहीं था, उनको समझाना पड़ा कि सोशल मीडिया भी जरूरी है ताकि लोगों को लगे कि वो भी उनकी तरह आम आदमी है, इजीली कनेक्ट हो पाए। और हाँ हाँ हाँ, है ना? हाँ, इसलिए कनेक्ट हो पाए, फाइनली जाके वो मान गए और वीडियो बन गया। अब इमोशनल गाने पे एक डीएसपी की इमोशनल साइड। वीडियो तो देखे कैसा बनाए। वाह संतू वाह, बिल्कुल वैसा ही वीडियो बनाए जैसा हमें चाहिए था। जैसे मैडम सर ये वीडियो देखेंगे, हाँ, भागी भागी डीएसपी सर के गले लगेंगे और कहेंगे हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, बिल्कुल हमारे और हमारे लल्ला के पप्पा की तरह। इस एक बात कहे संतू, चेहरे से जितने तुम भोंदू लगते हो उतनी तुम हो नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पुष्पी, लव यू। चलो चलो मैडम सर, ये देखिए, जैसा आप चाहती थी बिल्कुल वैसा हो गया है। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि रवीना हमारा हमशक्ल बहन है। अब आगे बताइए, आगे क्या करना है? आगे वही जो होना चाहिए, अब जुर्म करेगी करिश्मा सिंह, लेकिन इल्जाम लगेगा रवीना पर, वो रवीना जो किसी को ढूंढने से नहीं मिलेगी। आइए मैडम जी, आइए, मैं लेकर आती हूँ।
ये लीजिए, 5 लाख कैश है और 20 लाख की ज्वेलरी है। देखिए मैम, हमने तो अपना वादा पूरा किया। तछूर, अभी आपकी बारी है अपना वादा पूरा करने की। कल्लन का कबाब और करिश्मा सिंह का वादा, यही दो चीजें बची हैं इस दुनिया में जिस पे भरोसा किया जा सकता है। आप उसी पे डाउट कर रही हैं? नहीं नहीं, ये देखिए आप, ये आपकी बेटी का ज्वाइनिंग लेटर है। क्या बात कर रही हैं? जी, गोमती नगर स्टेशन में तुम कल ज्वाइन कर सकती हो, बिना किसी टेस्ट, बिना किसी इंटरव्यू के, डायरेक्ट नियुक्ति, समझी? मम्मा, ये तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट का ज्वाइनिंग लेटर है। मैडम, चलते हैं। हाँ मैडम, सो मच मैडम। जी मैडम, थैंक यू। शांति से बताइए क्या। मैडम, आपके थाने की जो ऑफिसर है ना, करिश्मा सिंह, उसने हमारे साथ में ठगी की है। हाँ मैडम, उसने धोखा दिया है हमें। पुलिस में नौकरी दिलाने के बहाने हमसे ना 25 लाख रुपए ऐंठ लिए उसने। 25 लाख? मैडम, हम तो बर्बाद हो गए। करिश्मा सिंह ने सब कुछ लूट लिया। टचूड़? इसमें का टचूड़? नहीं चीते, वो इनका फ्लो फ्लो में निकल जाता है। नॉलेज फ्लो है। ये क्या कह रही है? और वो कह रही है कि फ्लो फ्लो में निकल जाता है। आप क्या कह रही हैं कि एसआई करिश्मा सिंह ने आपको ठगा है? Are you sure? हाँ मैडम, हाँ। उन्होंने ना हमको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का एक फर्जी जॉइनिंग लेटर दिया। लेटर दिखाना, दिखाना लेटर। हाँ, ये देखिए मैडम। करिश्मा सिंह ने कहा कि गोमती नगर पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का ये जॉइनिंग लेटर है और कहा कि आपकी नौकरी ना पक्की हो गई, कल सुबह गोमती नगर थाने में जाके आप रिपोर्ट कर दो। और जब ये वहां गई तो, अरे बताना, जब मैं जॉइनिंग के लिए गोमती नगर पुलिस थाना पहुंची तो वहां जाकर पता चला ये लेटर तो नकली है। आप ना उस करिश्मा सिंह को पकड़ लो और हमारे 25 लाख रुपए हमें वापस दिलवा दीजिए मैडम। नहीं नहीं, ये गलत है, हमने पैसा नहीं लिया आपका, वो हमारी हमशक्ल बहन रवीना ने लिया है। हमशक्ल बहन? हाँ, हमशक्ल बहन, बिल्कुल हमारे जैसी दिखती है, पूरा शहर जानता है उसके बारे में और वो ऐसा ही करती है। आप पहली नहीं है जिसको उसने ठगा है। हमारा कपड़ा पहन के, हमारा वर्दी पहन के ना सबको ठगती रहती है वो। अरे तो पकड़िए ना उसे और दिला दीजिए हमारे 25 लाख वापस। अब वो असंभव है। क्यों? क्यों असंभव है? क्योंकि उसने आज लालगंज नहर में कूद के आत्महत्या कर ली। My God! क्या? रवीना बेटा! रवीना दीदी! ये क्या कर दिया तुमने? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिलैक्स पुष्पा जी, आराम से। ये आप क्या कह रही है? जी हाँ, उसका लाश मिल गया है, वो पंचनामा चल रहा है। तब ये वीडियो, हमको एक आखिरी वीडियो भेजा। आज फिर से हमारा झगड़ा हुआ करिश्मा दीदी से। तंग आ गए हैं हम उनकी रोज रोज की डायलॉगबाजी से, इसलिए जान दे के आज हम ये टंटा खत्म कर देंगे। मरने जा रहे हैं भाई। नहीं नहीं बिल्ले, हम नहीं देख सकते ये वीडियो। तुम मत देखो ना माँ। करिश्मा सिंह, आई एम सो सॉरी, ये बहुत ही दुख की बात है। हाँ मैडम सर, बहुत दुख का बात है ये, लेकिन भगवान को जो मंजूर। काश उसने हमारी बात सुन ली होती, ये चोर चक्का छोड़ दिया होता उसने तो आज हम सबके सामने। करिश्मा सिंह, देखिए हम समझते हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। रवीना बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? देखिए अब जो हो गया वो तो हो गया, उसे कोई क्या कर सकता है। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? अरे यही है, अरे इसी ने लिए है ना हमारे पैसे। आप निकलवाइए हमारे पैसे। टचवुड,
अरे हमने नहीं लिए पैसे, टचवुड। यही कह रहे हैं ना, हमने नहीं लिए हैं, हमारी बहन रवीना ने। और रवीना तो अब इस दुनिया में नहीं रही ना। अरे ये झूठ बोल रही है मैडम, ये सारे पैसे इसी ने लिए हैं, ये सब इसकी चाल है और इसकी कोई बहन वहन नहीं है मैडम। क्यों, तो फिर ये वीडियो? ये वीडियो में यही है मैडम, यही करिश्मा है और यही इसकी हम शक्ल बहन रवीना भी। मैडम ये सब झूठ बोल रही है, इतने भी बेवकूफ नहीं है हम, सब समझ में आता है हमें। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के पैतरे हैं मैडम, अपनी फर्जी बहन खड़ी करके अपनी सारी करतूते उसके सर पे मंड करके कानून की गिरफ्त से खुद साफ निकल जाना चाहती है मैडम, ये सब झूठ बोल रही है। अरे ये क्या कह रही हैं आप दोनों, हमने खुद रवीना के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, कल यहीं पर एक गोलगप्पे के ठेले के साथ रवीना ने एक्सीडेंट कर दिया था। नहीं हो रहा आपको यकीन? ठीक है, चीता चतुर्वेदी मार्केट में से विटनेसेस को बुलाई। जी मैडम। वो करिश्मा मैडम की हमशक्ल बहन है, नाम उनका रवीना ना। ओए, हमने भी देखा है अपनी आंखों से, कोई शक? हाँ, हमने भी देखा है। अब आप लोगों को हो गई तसल्ली? हो गई? अब भी तसल्ली अगर नहीं हो रही है तो हम आपको रवीना के आईडी कार्ड दिखाते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी। करिश्मा सिंह अपने आईडीज दीजिए प्लीज। आप चाहें तो इन आईडीज से क्रॉस चेक भी कर सकती हैं। कहा था ना कि सब झूठ है, इनकी कोई हमशक्ल बहन वहाँ नहीं है। अब पकड़ी गई ना सारी धांधली। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखिए इनकी सो कॉल्ड हमशक्ल बहन रवीना की आईडी और ये देखिए करिश्मा सिंह की आईडी, दोनों की आईडी में 3 साल का अंतर। कैसे दो जुड़वा हमशक्ल बहनों में 3 साल का एज गैप कैसे हो सकता है मैडम? क्यों नहीं हो सकता, तुम और तुम्हारी बहन निधि में भी तो 4 साल का अंतर है ना, और तुम दोनों भी हमशक्ल हो, तो फिर ये कैसे हो गया? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। हम दोनों को माफ कर दीजिए मैडम, इसकी इस गलती में मैं भी बराबरी की भागीदार हूँ। अपनी बेटी की इच्छा और उसके उज्जवल भविष्य के लिए गलत और सही का फर्क मैं भूल गई और जो भी रास्ता सामने आया उसे मैंने अपना लिया, लेकिन मैं ये भूल गई कि झूठ तो कागज की नाव है, वो ज्यादा दूर तक और ज्यादा देर तक नहीं चलती। मैडम शिवानी और निधि दोनों एक ही है। मैडम पुलिस ज्वाइनिंग की उम्र निकल गई थी मेरी, तो एजेंट को पैसे देकर मैंने नया आईडी कार्ड बनवा लिया और उस आईडी कार्ड पे मैंने 10th के एग्जाम दिए और इस तरह मेरा फिर से नया जन्म हुआ शिवानी के रूप में। और फिर उसी एजेंट विनोद ने है? एजेंट विनोद, गजब छाट के नाम रखा है यार, एजेंट विनोद। एजेंट विनोद ने रिटर्न एग्जाम भी किसी और से दिलवा दिया शिवानी के लिए और ये पड़ाव तो हम पार कर चुके। एजेंट का नाम क्या बताया आपने? विनोद। विनोद लॉकअप में होगा मैडम साहब, तजुर्बा कहता है हमारा कि इरादा चाहे कितना भी नेक क्यों ना हो अगर उसका तरीका गलत है तो फिर उस हासिल के कोई मायने नहीं होते। तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हो, ये हमारे लिए कितनी फक्र की बात थी, और तुम पुलिस बनने से पहले ही चोर बन गई, चीटिंग करके तुमने एग्जाम पास किया और तो और फर्जी आईडी भी बनवाई, तुम्हें पता है ना ये गैर कानूनी है। तुमने डिसअपॉइंट किया है शिवानी या निधि,
जो भी तुम्हारा नाम है। तुम देश की सेवा करना चाहती हो तो उसके और भी तो तरीके हैं। उम्मीद करते हैं कि यह सब जब खत्म हो जाएगा तब तुम्हें सही तरीका अपने आप मिल जाएगा। जी मैडम। चीता चतुर्वेदी, उस ज्वेलरी वाले अमित को बुलाइए। उनसे कहिए उनकी जितनी भी ज्वेलरी चोरी हुई थी वो हमने जब्त कर ली। जी मैडम। करिश्मा सिंह, एजेंट विनोद, अभी लाते हैं उस टोप आदमी को। बहुत उत्पात मचा के रखा है ना तुमने। बहुत शौक है ना तुमको फर्जी पेपर पे फर्जी नौकरी दिलवाने का। अब तुम कानून का थर्ड डिग्री देखोगे, समझे तुम? बहुत गलत काम किया है तुमने, लंबा जाओगे तुम। अरे माफ कर दो मैडम, सारे रास्ते तो धुंधली आई हो, और कितना थर्ड डिग्री दोगी? गलती होगी और नहीं करेंगे, कसम उठवा लो हमसे। हाँ, नहीं करेंगे। हाँ, हाँ। सरोज जी। हाँ। ये लीजिए आपकी ज्वेलरी। चेक करो, चेक करो। अम्मा तुम बकोगे या फिर लगाए घुसा डे? अरे मैं क्या कह रही था मैडम, देखिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ज्वेलरी हमें ही वापस दिलवा दी। तो ठीक है, आपको अपनी ज्वेलरी भी मिल गई है और इन दोनों को अपने किए का बहुत दिल से पछतावा भी है। लेकिन इस सबके बावजूद अगर आप रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं तो। अरे जाने दीजिए मैडम, देखिए पछतावा बड़ी बात है, हम नहीं करा रहे इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट। लेकिन हाँ, सच को सामने लाने के लिए जिस अनोखे अंदाज से आपने और आपकी पूरी टीम ने ये काम किया है, हम दिल से आप सबको सम्मान देना चाहते हैं। थोड़ा धीरे चला लेते मैडम, अभी हम टेक ऑफ करने वाले थे। सस्ती एक्शन फिल्म दिखा रहे थे क्या? इसको मरमरा जाएंगे आप ये हीरोगिरी के चक्कर में, क्या ये सब? दे मैडम, सी ग्रेड आदमी से ए ग्रेड की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कैरी ऑन। अरे हीरोगिरी अभी दिखाए कहाँ है? अगर हीरोगिरी दिखाए ना तो आंखें चौंधिया जाएगी आपकी। मैडम हमको लग रहा है इनके गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, इसलिए हम लोग से मदद मांगने के लिए रुके हुए। का सर, चलिए ना मैडम, आप चलिए, छोड़िए हटिए। का फ्यूल वूल का बात कर रहा, मतलब का फ्यूल का बात कर रहे हो भाई? हमें नहीं चाहिए पेट्रोल वेट्रोल। अबे भिखारी तो साफ साफ बताना तुझे क्या चाहिए। ऐसा आप कहते सर हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो। हमको जो चाहिए मुजरिम चाहिए। मैडम हमको तो लगता है ना पुष्पा जी की तरह इनका भी आँख खराब हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है का सर? ये तो जन्मजात धृतराष्ट्र है। नहीं आप का बोलने का कोशिश कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन मुजरिम। हम समझाते हैं, बंद तो हम इसे करेंगे उब जेल में। मिस्टर चीता चतुर्वेदी, यू आर अंडर अरेस्ट। पीछे जरा पकड़े। खबरदार मिस्टर बुलबुल पांडे, अगर चीता को हाथ भी लगाया तो। अरे चीता नहीं है, ये चीटर है। ये चीटर है सर। अरे ये चीता नहीं है, चीटर है। हाँ। और आज ये चीता चीटर जो है पिंजरे में बंद होने जा रहा है, इसके नाम का एफआईआर है हमारे पास। अपना ड्यूटी करने से रोकेंगे, उसका नतीजा जानती हैं।
चला चला गिरफ्तार करो इसको। हाँ, एक मिनट पकड़िए इसको। एक 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 मिनट मैडम। नहीं चीता, तुम पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो गया है, हम पता करते हैं जब तक तुम जाओ। ठीक है मैडम। अरे रुको ना यार, यही खिलौना से हम भी खेलते हैं। मिलते हैं मैडम। ये वीडियो देखकर मैडम सर एकदम पिघल जाएंगी। देखो पुष्पा जी, गर्मी तो है इतनी कि आइसक्रीम पिघल जाए, लेकिन मैडम सर पिघले। बिल्ली अमर जड़ बुद्धि। नहीं कहे तो फिर बातें भी तो ऐसी मत किया करो ना, बात ऐसी करती हो। खैर पुष्पा जी, संतोष जी आपका डिस्कशन बाद में कीजिए, मैडम सर आ गए। मैडम सर के सामने बिल्कुल ओवर एक्टिंग मत करना तुम। संतोष जी सीखो सीखो, पुष्पा जी से कुछ सीखो। हाय बेचारे डीएसपी सर, देखो तो एकदम ही देवदास बन गए हैं। ऐसा लगता है जैसे अगर इन्हें कोई जोक भी सुनाए ना तो बेचारे हंसने के बजाय रोना शुरू कर देंगे। अब कौन? मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप कब? हमारे कहने का मतलब है आप यहाँ कब, पता ही नहीं चला। क्या छुपा रही हैं? मैडम सर वो हम डीएसपी सर के सोशल मीडिया पर उनके सैड वीडियोस देख रहे थे। संतो क्या दिखाइए जरा। हाँ हाँ दिखाइए पुष्पा जी, अब तो सोशल मीडिया पर है, छुपा कर क्या ही करेंगे। दिखाइए। ठीक है अब तुम इतना कहती हो तो देख लीजिए। डीएसपी सर को तो देखकर लग रहा है उनके जीने की वजह ही नहीं बची। बेचारे बेचारे डीएसपी सर। लकी लकी आग दोनों तरफ बराबर लग गई। जय हिंद करिश्मा सिंह। क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में ही नहीं रहे तो क्या करें मैडम सर, वो टोपा आदमी बुलबुल पांडे, उसने चीते को गिरफ्तार कर लिया और अपने थाने में लेके चला गया। क्या? क्या? क्यों लेके? चीते को गिरफ्तार किया क्यों? कैसे मगर? हाँ, वो तो अच्छा, वो हम मैडम बताइए ना क्या हुआ। जुर्म पता हो तो ना मैडम सर, उसने बस हमको ये बताया कि किसी ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है और बस उठा के वो उसको थाने में ले गया। अगर चीते को कुछ हुआ ना तो उस बुलबुल पांडे का नाम मैया कसम चपड़ा फाड़ के अलग कर देंगे। करिश्मा सिंह शांत हो जाइए, बुलबुल पांडे ने अगर एक ऑफिसर को अरेस्ट किया है, कांस्टेबल को अरेस्ट किया है, तो आई एम श्योर उसके पास कोई सबूत तो जरूर होगा। हम पहले ठीक से समझ ले कि सिचुएशन क्या है। नहीं नहीं मैडम सर, ये साफ जाहिर है, ये जाहिर है कि वो पुराना दुश्मनी निकाल रहा है हम सबके साथ। झूठे केस के चक्कर में उसको गिरफ्तार करके लेके गया, हम नहीं छोड़ेंगे उस बुलबुल पांडे को। करिश्मा सिंह आपके गुस्सा करने से चीजें और बिगड़ सकती है, अगर चीता ने कुछ नहीं किया है तो हम उसे सही सलामत वापस लेंगे। ठीक है हम अभी जाते हैं उसके थाने और पता लगाते हैं कि बात क्या है। संतोष शर्मा चलिए। जी मैडम। मिस्टर बुलबुल पांडे, चीता चतुर्वेदी के खिलाफ क्या FIR है? क्या हसीना जी, अरे प्यार में धोखा दिया है एक लड़की को इसने। क्या सर? सर ये है वो लड़की। इश सब कुछ भुला दिया, वफा का कैसा सिला दिया मेरे अमर प्रेमी। अमर प्रेमी? देखिए देखिए देवी जी प्रेमी तो हम हैं, लेकिन अमर प्रेमी जो आप बोल रही है ना ये हम नहीं है। संतु जी बताइए ना इनको, समझाइए। अमर प्रेमी? देखो तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, ये अमर प्रेमी नहीं है, ये है कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। नहीं ये मेरे अमर प्रेमी है। अमर प्रेमी जिए तो जिए, कैसे बिन आपके। गजब। हा
गजब गजब। ऐसा इतना प्यारा भोला भाला इंसान को अपना पर्सनल बता रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संतु जी ना, ना। चीता शांत रहो, शांत। देखिए मिस्टर जी आप रोइए नहीं तो हम भी रोने लगेंगे। ये लीजिए रुमाल लीजिए, हाथ से पकड़। मैडम जी ऐसे ही हमारी मिस्टी रोती जा रही है। वो सब तो ठीक है अंकल जी, आप क्यों रो रहे हैं? एक्सक्यूज मी, हम कोई अंकल वंकल नहीं है, हम हमारी मिस्टी के बेस्टी हैं। प्लीज डोंट माइंड, हमारा नाम नमन है और हमें नमन कह के बुलाइए। नमन भी ठीक ही है, इसमें माइंड क्या करना है, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? काहे कि हमारी मिस्टी रो रही है और जब कभी भी हमारी मिस्टी रोती है ना तो हम भी रोने लगते हैं। मिस्टी देखो हो सकता है तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो गया हो, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यही अमर प्रेमी है? देखिए ना ये देखिए, और हाँ आप भी देखिए, इसी प्रोफाइल से आपने हमसे पूछा था ना हम आपके हैं कौन, और फिर हमने आपको जवाब दिया था हम तुम्हारे हैं सनम। मिस्टी जी आपको ना कंफ्यूजन हो गया, संतु जी ये प्रोफाइल में फोटो हमारा है लेकिन ये हमारा प्रोफाइल नहीं है, हमारे फोटो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मैडम सर ध्यान दीजिएगा। तो तू का सलमान खान है जो तुम्हारा फोटो अपना प्रोफाइल में लगा के कोई लड़की पटाएगा? अरे आप सब झगड़ा बंद करिए और हमारी बात सुनिए, आज से ठीक 6 महीने पहले हम दोनों ऑनलाइन मिले थे ना? नहीं मिले थे। मिले थे और फिर जैसे ही तुम मिले और फिर दिल खिले। मैडम जी इस बात को 6 महीने नहीं 7 महीने हो गए। तुम्हें कैसे पता? वो हम बेस्टी है ना मैडम। एक्चुअली मैडम हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है, हम उसमें मैनेजर हैं, तो कस्टमर को मैनेज करते करते ना हमारी जो बुद्धि है ना बहुत शार्प हो गई है। क्या नाम है तुम्हारा रेस्टोरेंट का? सफाचट रेस्टोरेंट। मतलब का तोहरा सर से इंस्पायर होकर नाम रखे हैं सफाचट? फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, उसके बाद इन्होंने हमसे बात करना शुरू किया और फिर हमें लगा यही है वो जिसका हमें इंतजार था। फिर अमर प्रेमी ने भी हमसे प्यार का इकरार कर लिया। ये देखिए देखिए और फिर जब हमने इनसे मिलने के लिए कहा ना तो ये देखिए इन्होंने अपनी प्रोफाइल को ही डिलीट कर दिया। क्यों अमर प्रेमी जी, दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था? मुंह से तो बोल दिया, अब कहां से बोलेंगे कि आपको भरोसा होगा? नहीं है मेरा प्रोफाइल, नहीं हूं मैं अमर प्रेमी। अरे तो काई भोली सी लड़की झूठ बोल रही है। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, प्रोफाइल पिक्चर लगा देना इस बात का सबूत नहीं है कि ये अमर प्रेमी है। अरे हसीना जी आप काहे टेंशन ले रही है, हम प्रूफ कर दूंगा ना कि चीता ही अमर प्रेमी है। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, हम अच्छे से जानते हैं कि आप ये सब सिर्फ अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, बिल्कुल कोशिश कर लीजिए हसीना जी। आज फ्राइडे है, शुक्रवार, 2 दिन तो बिल मिलने से रहा, 2 दिन इनकी खातिरदारी की जिम्मेदारी हमारा होगा। मैडम सर टोपा आदमी है मैडम सर, ये हम समझ रहे हैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर चीता को खरोच भी आया ना तो उस बुलबुल पांडे का हम ऐसा रॉकेट बनाएंगे ना कि धरती पर पैर रखने लायक नहीं रहेगा वो। क्या करेंगी आप करिश्मा सिंह, एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को मारेंगी? आपको मैडम सर हमसे बस इतना ही उम्मीद है ना? एक मिनट, ये तिलमिलाती हुई कहाँ जा रही है आप? हमारा ना सर दर्द हो रहा है पुष्पा जी, इसलिए हम दीवार की तरफ जा रहे हैं। तो दीवार पर सर पटक के क्या होगा, कच्ची दीवार है टूट जाएगी। आप हमारे साथ चलिए, पक्की दीवार की तरफ ले चलते हैं आपको। नहीं, किसी का तो भला हो। हम अपना सर फोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम शीर्षासन करने जा रहे हैं, जाएं। मैडम सर अमर प्रेमी की लोकेशन मिल गई है। हाँ गुड, वेरी गुड,
लेकिन ये पता कैसे लगा? सबसे पहले तो आपने जो वेरी गुड बोला ना उसके लिए इट्स ओके, और आईपी एड्रेस हैक करके मुझे लोकेशन मिला। सिंगाड़ा बिल्ले का है, का लोकेशन है? लोकेशन है सफाचट रेस्टोरेंट। नाम है तोहरा रेस्टोरेंट का? सफाचट रेस्टोरेंट। एक मिनट, नमन के रेस्टोरेंट का नाम है सफाचट रेस्टोरेंट, करेक्ट? जी। इसका मतलब नमन ही अमर प्रेमी है। लेकिन अगर ऐसा है तो वो मिष्टी से झूठ क्यों बोल रहा है? इस नमन का तो हम ऐसा चमन बनाएंगे ना कि टेप रिकॉर्डर की तरह सब उगल देगा। हमें चीता को किसी भी हाल में बेगुनाह साबित करना है मैडम सर। हमें ये केस हमारे तरीका से सॉल्व करने दीजिए। ठीक है, करिए, लेकिन जो कुछ भी करेंगी कानून की जद में रहकर करेंगी, क्लियर? हाँ हाँ। बिल्ले, ये नमन का फैमिली रेस्टोरेंट है। हाँ। नमन तो यहाँ मैनेजर वाला काम कर रहा है, और मालिक की गद्दी पे कोई और बैठा हुआ, ये क्या चक्कर है? मैडम, बंगले का मालिक होता है वो अपने पौधे को पानी दे, इसका मतलब ये नहीं कि बंगले का मालिक माली बन गया है ना, समझे माली बात? ए, मेरी बात? बिल्ले चंपत, खेल गए तुम। इट्स माई प्लेजर। अरे कोई मैडम का ऑर्डर लो ना, नमन भैया किसी को भेजो ना। रघु, नमन भैया एक बात पूछें, अगर लड़कियों को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बोलेंगे तो किसी गंजे आदमी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। अरे रमन भैया देखो, सीरियस हो गए। अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस हो जाते हो आप भी। जी मैडम, क्या लाओ आपके लिए? दो चाय लेकर आना, फ्री, शुगर फ्री। अमा प्रेमी, रुको, हम ऐसा है करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना से। हाँ मैडम, हम ही अमर प्रेमी। हाँ, हमको मालूम है तुम अमर प्रेमी हो, हमें जो जानना है ना वो बताओ तुम। तुमने अपने प्रोफाइल पिक पे हमारे थाने के चीते का फोटो काय लगा रखा है? वो हमको इंटरनेट पे मिला और हमने लगा लिया। ओ चमन, मैं कब का ऑर्डर दिया तेरे वेटर को? ऑर्डर लेके आएगा या वो भी तेरे बालों की तरह कभी नहीं आएगा? क्या वो ऑर्डर? हाँ अभी भेज देंगे। अच्छा एक जोक और, एक जोक और, अगर किसी टकले आदमी को उर्दू में भगाना हो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? टकलिया। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, हर छोटी छोटी बात पे सीरियस होना जरूरी है। अमाओ, मजाक करने का बहुत आदत है तुमको। हाँ ये कब से तुमने गंजा और टकला लगा रखा है? अपने जबान को ना तमीज का आदर डालो, वरना बदतमीजी के हम ब्रांड एम्बेसडर है, समझ गए तुम? और तुम भी सुन लो, एक और बार गंजा या टकला बोल के किसी का मजाक बनाया ना तो तुम दोनों के बाल जीप से बांध करना, थाने तक लेकर जाएंगे घसीटते हुए, समझे? तुम चाय लेकर आओ, तुम हमारे साथ आओ अमर प्रेमी। तुम्हारा कोई भी जोक नहीं उड़ाएगा, ठीक है? तुमको नहीं सुनने को मिलेगा। तुम बस हमको एक बार बताओ कि तुमने अपना पिक्चर काहे नहीं लगाया, किसी और का काहे लगाया? यही सब बेइज्जती मैडम, हम जवान बाद में हुए लेकिन उससे पहले हमारे बाल गायब हो गए। घर से लेकर कॉलेज तक ना जाने लोगों ने हमें टकला, गंजा, उजड़ा चमन, क्या क्या नहीं कहा, और अपने गंजेपन को बचाने के लिए हमने चीता जी की फोटो का इस्तेमाल किया।
रखो। बहुत बढ़िया, अभी माफी मांगिए। मांगो। सॉरी नमन भैया। अब कट लिए। एक बात बताओ, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड मिष्टी को धोखा काहे दे रहे हो? मैडम हम धोखा काहे देंगे? धोखा वाली बात हुई ना। नहीं नहीं मैडम, हम धोखा उसे काहे के लिए देंगे? हमारे माता पिता के बाद वही एक ऐसी लड़की है जिसने कभी हमारे गंजेपन की वजह से हमें कम नहीं आता। हमारी बहुत केयर करती है वो, हमारी सिर्फ दोस्ती नहीं हमारी जान है, और हम उसे बहुत प्यार करते हैं। मैडम तुम बहुत प्यार करते हो मिष्टी से? बचपन से मैडम। एक तरफा। बिल्ले। लेकिन कभी प्रपोज नहीं कर पाए, डरते थे कि मना कर देगी तो, और किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार गंजा तो नहीं हो सकता ना। और हमें ये भी पता था कि कुछ दिन बाद उसकी लाइफ में कोई आ जाएगा और वो हमें छोड़कर चले जाएगी, इसलिए हम बस उसे एंगेज रखना चाहते थे। इसलिए हम अमर प्रेमी बनकर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और उसने एक्सेप्ट भी की, और फिर नमन ने अपने दिल की बात अमन प्रेमी बनकर सब कह दी उसे। चैट करते करते मिष्टी को भी हमसे प्यार हो गया, और जब उसने हमसे मिलने के लिए कहा तो हम बहुत डर गए। हमें अच्छे से पता था कि अगर हम मिष्टी से मिलने जाएंगे तो उसे हमारी सच के बारे में पता चल जाएगा, और हमारे एक तरफा प्यार की वजह से हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। देखो नमन, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें अपना ले, तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, तो तुमको पहले अपने आप को अपनाना होगा, तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना होगा पहले। बिंदा जाकर बोल दो, जो आग इधर है वही आग उधर है, जो प्यार इधर है वही प्यार उधर है, ये गंजपन की दीवार तोड़ दो। नहीं नहीं, हमको छोड़ देगी, हमें पता है, नहीं कभी करेगी एक्सेप्ट हमको। नहीं नहीं नमन, मत घबराओ, बिल्कुल भी मत घबराइए, वो करेगी तुम्हें एक्सेप्ट, वो अपनाएगी तुमको। हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या हुआ करिश्मा जी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? पुष्पा जी, जिस दर्द से अभी नमन गुजर रहा है ना, उस दर्द से ना हम भी गुजर चुके हैं, पता है आपको? छोटा पैकेट, बोनी, छुटकी, पता नहीं क्या क्या कह के हमको चिढ़ाते रहते थे, बहुत अच्छे से याद है हमको। हमको पता है क्या बोलते थे कि पुलिस में तो तुम कभी जिंदगी में भर्ती नहीं हो सकती थी, ऐसा बोलते थे। लेकिन तब ना पुष्पा जी, बबीता मैडम ने ना हमारा बहुत साथ दिया, को बहुत स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने, और उसी आत्मविश्वास के साथ हमने उस परिस्थिति का सामना किया, और देखिए आज कहां से कहां पहुंच गई। हाँ, मजा आएगा। इसको नहीं ले जाएंगे, इसको नहीं ले जाएंगे, सिद्धू नहीं जाएंगे। करिश्मा जी, हमने आपको कभी बताया नहीं, मगर स्कूल में हमारी हल्की हल्की मूछे हुआ करती थी। स्कूल के सारे बच्चे, यहाँ तक कि सारे शिक्षक भी हमें मुच्छड़ मुच्छड़ कह के चिढ़ाते थे। मुच्छे हो तो न थुलाल जैसी वरना ना हो आए। फिर एक दिन ऐसे ही किसी एक लड़के ने हमें चिढ़ाया, हमें इतना गुस्सा आया ना कि उसको पकड़ के हमने तो कंटाप लगाया और सबसे कहा, अगर किसी को भी हमारी मर्दानगी पे शक है ना, तो सामने आ जाए। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा हमें चिढ़ाने की। आप लोगों का तो कुछ भी नहीं है पुष्पा जी, मेरे माँ बाप ने मुझे इतने सम्मान के साथ मेरा नाम रखा बिल्लू जी, लेकिन जब से मेरे बाल बच्चे बच्चे नहीं, तब से लोग मुझे पुकारने लगे गंजा, काला, मोटा, तो मैंने खुद पर ही हंसना शुरू कर दिया।
कंटिन्यू। तो उसके बाद लोगों ने चिढ़ाना बंद कर दिया। मुझे कभी किसी ने नहीं चिढ़ाया, मैं हमेशा से परफेक्ट थी। अरे हम ये चाहते हैं कि नमन जैसा भी है खुद को उसी रूप में स्वीकार कर ले बस, और फिर आत्मविश्वास के साथ ना हर परिस्थिति का सामना करें। सही बात है। ये क्या कह रही हैं आप, नमन ही अमर प्रेमी है? हाँ। मिष्टी, चीता इनोसेंट है, तुम्हें केस वापस ले लेना चाहिए। क्या कह रही हैं आप हसीना जी, ये बकवास सुनने के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है? एक लड़की के दोस्त को ही उसका मुजरिम बना दिया, अपने थाने के कांस्टेबल को बचाने के लिए आप एक मासूम पर इल्जाम लगा रही हैं, क्या सबूत है आपके पास? सबूत खुद नमन ही है, और इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है बुलबुल पांडे। नमन सच बताओ, देखो घबराओ मत, वो बताओ जो कल तुमने करिश्मा सिंह को बताया था। करिश्मा सिंह ना, मतलब जो केस हमारे पास है आपने करिश्मा सिंह को वहाँ पूछताछ के लिए भेज दिया? हमने वहाँ उन्हें एज ए पुलिस ऑफिसर नहीं भेजा था। नहीं नहीं नहीं, हम समझ गए, अगर करिश्मा सिंह गई होंगी तो उसने जरूर इसे डराया होगा, धमकाया होगा, ये मानने के लिए कि यही अमर प्रेमी है। कहो नमन, तुम बिल्कुल मत डरो, कहो कि तुम्हें करिश्मा सिंह ने डराया था। देखो अगर तुमने सच सच नहीं बताना तो तुम मुझे जानते नहीं हो। बुलबुल पांडे, अब कौन धमका रहा है उसे, हम या आप? अरे बिस खोपड़ा, तू धमका रहा है तू। सर हमारा मतलब है कि ये हमको ऐसा बोलती अगर हम आपकी जगह होते तो। नमन घबराओ मत, हिम्मत रखो और सच बताओ। नमन तुम ही हमारे प्रेमी हो? दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। हम नहीं है अमर प्रेमी। बाजी जो है हमारे हाथ में आ गई है हसीना मन, अब तो शिकारी जो है शिकार करके रहेगा। नमन तुम ही हमारे प्रेमी हो? दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। हम नहीं है हमारे प्रेमी। मिस्टर जी, हमने आपको धोखा नहीं दिया है। तुम क्या कह रहे हो? ये हुई ना बात। नमन सच सच बताओ, क्या ये महिला पुलिस थाने वालों ने तुम्हें प्रेशर किया था ये कबूल करने के लिए कि तुम ही अमर प्रेमी हो? बताओ नमन, जो सच है वो बताओ। डराया था तुम्हें, धमकाया था? सीना जी, सबूत है हमारे पास कि कैसे आपने अपने थाना की इज्जत को बचाने के लिए एक मासूम को डराया, धमकाया, उससे कन्फेस कराया। देखिएगा, देखिएगा आपके इस थाना का इज्जत को कैसे हम मिट्टी में मिलाते हैं। तुम्हारे पास सबूत है बुलबुल पांडे, लेकिन हमारे पास सच है जो ज्यादा दिनों तक दबा हुआ नहीं रह सकता। ये जो तुम्हारे नापाक मंसूबे है ना, हम इन्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। लगाओ जितना जोर लगा सकते हो, सच तो बाहर आएगा, क्योंकि ये महिला पुलिस थाना है ना, यहाँ से कोई मुजरिम खोला गया है और ना ही हमने कभी किसी बेगुनाह को सजा दी है। का? उसने ऐसा कहा हमारे बारे में कि हम उसको धमका रहे थे? इसकी मैया का, बिल्ले से पूछो बिल्ला वहां था, हमने कितना जज्बात से जज्बात मिलाकर उससे बात किया था, वैसा बात कर रहे हमारे बारे में? बिल्ले बताओ,
पूछने के लिए कहा भी किससे, वो भी बिल्ले से। नहीं नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, आपका प्रभाव ही ऐसा होता है हमेशा कि आप हमें भी कभी कहती है ना कि आइए आपके पैर दबा देते हैं तो हमें सुनाई देता है, आइए आपका गला दबा देते हैं। बता, बहुत हंसी आ रहा है? नहीं, इसमें हमारा गलती नहीं है कि आपके कानों ने इस्तीफा दे दिया है। अब हम आपको पुष्पा जी बोलते हैं, आपको सुनाई आता है चुड़ैल, तो हम क्या करें? आपने हमें चुड़ैल कहा? नहीं, हमने कहा नहीं, ऐसा आपको सुनाई आ सकता है। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा इसलिए हमने सुना ना। नहीं, हमने कहा नहीं, ऐसा सुनेंगी आप चुड़ैल। मैडम, पुष्पा जी की जो बात है उससे हम थोड़ा सा, मतलब इत्तु सा सहमत है। हाँ, मतलब आपने हमें ही चुड़ैल कहा। हाँ, है ना। हाँ, नाक पर मुक्का मारेंगे पुष्पा जी को। समझ में आया किसको? और एक शब्द और निकला ना अभी तुम्हारे मुंह से तो ये नमन का गुस्सा ना साथ में मिलके गला दबा देंगे यहीं तुम्हारा। हाँ तो फिर क्यों ऐसी हरकतें करते हो? हाँ, हमारी बहू रानी है वो। हमारा दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है, हमें सामने भी नमन दिखाई दे रहा है। योगा करने का जरूरत है हमको। योगा नहीं, योग ही है, वो नमन ही है। हाँ। नमन करो। भाई, तुम्हारे पास इतना गुर्दा आ गया कि तुम खुद यहाँ मार खाने चले आए? हम हैं इसी लायक, आप मारिए मैडम हमें। तुमने बोला रुकिए मैडम, रुकिए, ये बुलबुल पांडे की तरफ से आया है, आपको उकसा रहा है ताकि आप उसको मारो और वो हिडन कैमरे से ये सब शूट करे और इसका केस मजबूत हो। हम देखते हैं हिडन कैमरा कहाँ है। नहीं है, नहीं नहीं, हिडन होगा। बिल्लू पीछे हो जा। हिडन? अरे जब वो कह रहा है नहीं है कैमरा। ओके, आई डन। सॉरी मैडम जी, हमसे गलती हो गई और हमें यहाँ पे किसी बुलबुल ने नहीं भेजा है, हम खुद माफी मांगने आए हैं आपसे। हम पूरी रात सो नहीं पाए, हम यही सोच रहे थे कि आपने तो हमारी इज्जत बचाई और हमने धोखा दे दिया। हाँ दिया ना तुमने धोखा, दिया काहे दिया धोखा, सच का ही नहीं बताया। हम डर गए थे कि मिस्टी को पता चलेगा कि हम ही हमारे प्रेमी है तो वो हमसे दोस्ती भी तोड़ लेगी, इसलिए हम बता नहीं पाए कुछ भी। तुम्हारा इस बेवकूफी के चक्कर में ना हमारा चीता हुआ सजा काट रहा है, क्यों तुम सच नहीं बता देते मिस्टी को? हाँ, क्या दिक्कत है तुम्हारा भाई? नहीं मैडम जी, हमसे ये नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी कहोगे हम वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे तो हमें भी अचार नहीं डालना तुम्हारा। दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो लगा देंगे कंटा पभी। दफा। रुक जाओ नमन। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। एक बात बताओ नमन, हम जैसा कहेंगे क्या तुम वैसा करोगे? हाँ मैडम सर, लेकिन करना क्या होगा? तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। कोऑपरेट? कैसा कोऑपरेट मैडम सर? अपने गंजेपन की वजह से जो तुम अपना कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हो वो हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। दोगे हमारा साथ? ठीक है मैडम सर। पुष्पा जी। जी मैडम सर। काउंसलिंग? हाँ 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 मैडम सर। पुष्पा जी, ध्यान से, मैं चाय पी कर आता हूँ। जी आप आइए, गुस्सा काबू में रखिए, हम सब संभालेंगे। मैडम सर, ये एक नंबर का टोपा इंसान है, इससे सच नहीं बोला जाता है। महिला पुलिस थाने की इज्जत का कचरा कर दिया और आप इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हैं। कॉन्फिडेंस नहीं, इसका कन्फेशन चाहिए मैडम सर। करिश्मा सिंह, कॉन्फिडेंस के जरिए ही कन्फेशन भी मिलेगा, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैडम सर आइडिया दे रही है या फिर चूरन दे रही है? अब एक बात बताओ, कनेक्शन और कन्फेशन में क्या कॉन्फिडेंस? नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस और कन्फेशन में क्या कनेक्शन? अमर नहीं, कनेक्शन और अमर जो बोला नहीं जा रहा वो किसी के भेजे में का घुसेगा, हमको कुछ और सोचना होगा, ये फ्लॉप आइडिया है। आप दोनों को सोचने की जरूरत नहीं, ये केस मैं सॉल्व करूंगा, मेरे तो स्पॉट है। तुम्हारे चार बाल उलझ जाते हैं, उसको तुम सुलझा नहीं पाते हो, तुम केस सुलझा दोगे? नहीं 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 मैडम, ये केस सॉल्व करने के लिए जो चीज चाहिए ना वो चीज मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास। हमें ऐसा कौन सा चीज है जो हमारे पास नहीं है, जो मैडम सर के पास नहीं है लेकिन तुम्हारे पास है? This one. हमाओ, कायदे में रहो तुम, क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? तुमको नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रहे हो? एक कंटाप मारेंगे ना दाईं तरफ बाईं तरफ के बाल झड़ जाएंगे तुम्हारे सारे। नहीं नहीं मैडम, मैडम देखो गलतफहमी होगी, ये मतलब
दिमाग के ऊपर ये जो टकला है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ मेरे पास है बिल्ड द स्पाई के पास, और ये टकला मुझे लायक बनाता है ये केस सॉल्व करने के लिए, समझा? ऊपर से टकला, अंदर भूसा, तुम्हारे ऊपर क्या निर्भर होंगे आप? भागो यहाँ से, हम करेंगे ये सॉल्व, हम कुछ सोचते हैं। ठीक, हम सोचते हैं, हम सोचेंगे इस केस के बारे में, क्योंकि ये केस हम ही सॉल्व करेंगे, बिकॉज आई एम बिल्ड द स्पाई। ये देखो, इनके सर पे बाल नहीं है, मगर अपनी फिल्मों में हीरो, विलन, गाड़ियां सबको उड़ा उड़ा के कितने बड़े निर्देशक बन गए हैं, है ना? और ये इन्हें देखो, इनके सर पे भी बाल नहीं है, मगर इनके सोशल मीडिया पे करोड़ों चाहने वाले हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि सर पे बाल नहीं है, मगर इन्होंने भी अपना मुकाम बना लिया ना, तो बात बाल होने से नहीं, अपने नेक ख्यालों से बनती है। सिर्फ 2-3 सक्सेसफुल लोगों को दिखाकर आप हम गंजों की दुनिया नहीं बदल सकती मैडम। सच कहूं ना तो हम गंजों को ना तो प्यार मिलता है, ना इज्जत मिलती है, और ना ही हमारी शादी होती है। मिलता है तो सिर्फ रिजेक्शन। अब आप ही बताइए, बचपन से लेकर अभी तक किसी आदमी को गंजे होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, बताइए मैडम। तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, गंजे लोगों को भी प्यार मिल सकता है, इनफैक्ट मिलता है। ऐसा ही है मैडम, जरा बताइए आपका अनुभव प्यार में क्या कहता है? प्यार में इनका अनुभव आई लव यू कहता है। पुष्पा जी, अब तुम क्या कहना चाहते हो हमें समझ में नहीं आ रहा। मैडम हमारा अनुभव से मतलब ये है कि आपका प्यार में क्या एक्सपीरियंस है, क्या कभी आपको किसी गंजे आदमी से प्यार हो सकता है? नहीं। देखा, नहीं हमारे कहने का मतलब ये है कि इन्हें किसी बाल वाले इंसान से पहले से प्यार हो चुका है। देखा, हम भी तो वही कह रहे हैं कि लड़कियां किसी भी गंजे आदमी को पसंद नहीं करती हैं। जरा आप बताइए, जरा सोचिए जरा सा कि जिससे आप प्यार करती हैं, अगर वो गंजा होता तो क्या आप उससे प्यार करती? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैडम, आपका चेहरा देख के पता चल रहा है कि आपको फर्क पड़ता है या नहीं। ये सब बातें ना किताबों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में इनका कोई वैल्यू नहीं होता है। अरे सुन, ओहो, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के चक्कर में मैडम सर हमारे काउंसलिंग का कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, इसके लिए कुछ नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। आप ये मैरिज ब्यूरो बंद कर देंगी ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा वापस। वो मैडम सर, नमन के लिए मेरे पास एक आइडिया है। वाह नमन भाई, क्या लग रहे हो यार, एकदम हीरो। एक ऑटोग्राफ दो ना। ये क्या किया आप सबने? भला किया आपका, आपको बाल चाहिए थे ना, हमने आपको बाल दे दिए। अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, फिर आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर आप बाल बच्चे वाले हो जाएंगे। आ रहा है कॉन्फिडेंस? आ रहा है। यस, कॉन्फिडेंस नहीं है, एलर्जी आ रही है हमको, खुजली हो रही है हमको बहुत जोर से। अरे हमको विक्स से एलर्जी है। पानी, पानी कहाँ है? पानी तो देने वाला, लो 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 पानी। अरे पानी कहाँ है? अरे पानी, पानी, पानी तो हमको क्यों आया? तू क्यों? अरे चाल तू कैसा है? तू कहाँ निकाले? पानी, 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 पानी दूर। कहाँ से पानी? पानी कहाँ है? पानी तो हमको। आप लोगों को क्या लगता है कि हमने ये सब खुद ट्राई नहीं किया? हवा से लेके दवा तक सब बदल दिए, फिर भी हमारे बाल नहीं आए एक भी। डायबिटीज के पेशेंट है इसलिए हेयर वेविंग भी नहीं करवा सकते। इस सब से कुछ नहीं होगा मैडम सर, हमको कुछ और सोचना होगा। क्या कोई आइडिया है आपके पास? आई 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 तरकी भाई। नहीं नहीं, बदबू आ रही है। बदबू, मर जाएगा आदमी। फिर का
ये गोबर में से बिल्लू की बदबू क्यों आ रही है? अबे गोबर से बिल्लू की नहीं, बिल्लू से गोबर की बदबू आ रही है। हाँ तो बात तो एक ही हुई ना। वो क्या हुआ कि मैं ये गोबर लेने तबेले में गया तो तबेले ने मालकिन ने मुझे गोबर तो दे दिया लेकिन ऊपर से पैसे मांगे। मुझे क्या पता गोबर के लिए पैसे लगते, और आपको तो पता है मेरे पास पैसे होते नहीं, तो मैंने गोबर चुरा लिया। और जैसे मैंने गोबर चुरा लिया उसने देख लिया। किसने? मालकिन ने? नहीं नहीं, भैंस ने। हाँ भैंस ने देख लिया। वो साइड में ना खुटे पे बंधी हुई भैंस थी, उसने देख लिया, उसने आवाज लगा दी। मालकिन को? नहीं नहीं, भैंस को। वो साइड में दूसरी एक भैंस थी खुटे से बंधी। अरे गंदा कर दिया गंदे आदमी। सच सच हट। उसको आवाज लगाई और उसने मुझे देखा और पूछ मार दी। वैसे मैं किचड़ में गिर गया और मैं भागा वहां से, तो मेरे पीछे पड़ी लेकिन मैंने तो शपथ ली थी कि गोबर लेकर आऊंगा, इसलिए गोबर से लथपथ होके आया, लेकिन शपथ नहीं तोड़ी। भले मैं हुआ गोबर से लथपथ लथपथ। बिल्ले तब ये भी बता दे कि तू सच में गोबर लाने गया था कि भैंस ने तेरे ऊपर कर दिया। निकल रही निकल निकल गोबर चोरी पे उतर आए हो तुम, जो दिमाग में भरा हुआ है वो कहाँ लेने गए थे तुम? हाँ? ये गोबर मैं अपने लिए नहीं, अपने मित्र नमन के लिए लाया हूँ। नमन भाई ये गोबर तुम हफ्ते भर के लिए लगाओ लगाओ, ये तुम्हारे बंजर जमीन पर ऐसे बालों के खेत लहलाएंगे देखना। अरे मैंने भी ट्राई किया है। तो आपके बाल क्यों नहीं आए अभी तक फिर? वाह वाह वाह, बाल किस लिए चाहिए? कॉन्फिडेंस के लिए। मैंने 3 दिन गोबर लगाया, मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया। देखो नमन, अगर तुमको मिष्टी का प्यार और सर पे बाल चाहिए तो फिर ये ट्राई करो ये गोबर। हाँ ट्राई करो, कर लो कर लो कर लो कर लो। आप लोग कह रहे थे हम कोशिश करेंगे, ठीक है करो करो, लेकिन नमन एक बात याद रखो, बुलबुल पांडे को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हम सब से मिलते हो। ठीक है। अब जाओ तुम नाले में ना के आओ, जाओ जाओ जाओ, साफ भी तो करना ना। हाँ फिर आओ, तुम दोनों मुझे नहलाओ। पागल क्या चलता है इन सब का, हर जगह बदबू फैलाएगा। उम्मीद है ये बिल्ले का गोबर वाला आइडिया काम कर जाए। बेचारा। यार ए, काई क्रिमिनल है कि मच्छर जो जेल के अंदर भर दियो है। अरे इतना फोकस करके सोने का कोशिश कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहा है सब। मच्छर का कुछ व्यवस्था व्यवस्था करवाइए भाई, जिंदगी बर्बाद कर दिया काट के। अरे भाई आदमी से और क्या उम्मीद कर सकते हो, ये तो खुद एक मच्छर है, मोटका वाला खून पीने वाला। तुम्हारा भाई तारा, आपका तारीफ कर रहे थे सर। दिख रहा है हमको, और तुम ज्यादा नखरा मत करो, यहाँ ना थाना है कोनो होटल नहीं है, और दोस्ती कर लो इन मच्छरों से, कहा है कि बहुत लंबा सजा होने वाला है तुमको। महिला पुलिस थाना है, लखनऊ का बेस्ट पुलिस थाना। सही बात है, है ये। नहीं मतलब सर ऐसा कहता है। बोल रहा है बहुत मजा आने वाला है उसका थाना का नाम मिट्टी में मिलते हुए देखने का। लोगों से थू थू ना करवाया ना तो हमारा नाम भी बुलबुल पांडे नहीं। क्या कह रहे हैं? भगवान मदद कीजिए हमारा। भाई भाई अच्छा एक बात बताओ यार, ये चंडाल जैसा इंसान कौन लगता है तुम्हारा? अरे चंडाल बिस्खोपड़ा हमारा जीजा है। अरे गलत हाथ में चली गई दीदी ना भाई, अब याद मत दिलाओ मन उस दिन। लेकिन कोई बात नहीं, तुम सही बदला ले रहे हो, ठीक है। गिन गिन के ले रहे हो तुम। पोटली देख, ये पोटली में ना अपना हाथ से खाना बनाकर लाई है हमारे लिए। संत जी क्या बनाई है? खाना नहीं लेकर आई हूँ, रिपोर्ट लेकर आई हूँ, तेरे सिग्नेचर चाहिए। भाभी गुस्सा है लगता है, पेन लाओ ना। वैसे भी मुझे लगा तू यहाँ बैठे बैठे मच्छर ही मार रहा होगा, इससे अच्छा थोड़ा काम कर ले। वाह क्या बात है,
देख लॉकअप में भी बैठकर काम कर रहा है और एक तू है जो यहाँ निकम्मा नकारा लाचार और मुखखोर बैठ के यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। सर ऐसा आप कहते हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो। अरे होते तब ना, इतना बड़ा बड़ा गाली दे दिया हमको। चीजें तो टेंशन मत ले, तुझे बेगुनाह साबित कर देंगे। वो जो नमन है ना, वो अपनी टीम पे आ गया है। अपनी टीम में आ गया है सर? तू हम लोग मैच खेल रहे हैं क्या कि अपनी टीम में आ गया? ये भक तुझे फ्री करने के लिए यहाँ से, नमन अपनी साइड आ गया, रेडी हो गया कन्फेस करने के लिए। सीना, हम भी बहुत सीना चाहते हैं आप, मतलब कि हम भी बहुत देखना चाहते हैं आपको संतोष जी, लेकिन यहाँ पर नहीं, अपना थाना नहीं है ना, महिला पुलिस थाना आएंगे तो आपको जी भर के देखेंगे। चली जाइए जब तक आंख मत गिरे, निकल जाइए। वैसे भी तूने जो किया है ना, अंदर ही रहना चाहिए तू। बाय संतोष जी। जय हिंद। ये महिला पुलिस थाने वाले जरूर इको बाहर निकालने के लिए कौन खिचड़ी पका रहे, लेकिन शायद भूल गए हैं कि बुलबुल पांडे के शिकंजे में अगर कोई फंस जाए तो लाख कोशिश कर ले निकाल नहीं पाएंगे। मैडम वो भैंस का गोबर है ना, मैंने पैक बंद करके लाया टिफिन में, बिल्कुल बदबू नहीं आएगी। हाँ मैं सोच रहा हूँ। तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? इसको अच्छी चाय पिलाने लाया था तो ठीक है, लगे रहो। अबे चपड़गंज कहाँ से आ रहे हो? अरे दिख नहीं रहा है, टिफिन लिया है, टिफिन का धंधा शुरू किया इसने, कब तक चोरी चिकारी करेगा? बहुत सही, कब्रिस्तान में कबर खोदने का भी धंधा शुरू किया, तेरे लिए खोदूं? बात करता हूँ। टिफिन में क्या? टिफिन में दिखाना क्या? टिफिन टिफिन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एकदम खाली है। देख बिल्ले, झूठ बर्दाश्त नहीं बुझे। देख बिल्ले, सच सच बता दे टिफिन में क्या है, कुछ तो छुपा रहा है हमसे, जल्दी बोल। आतंकवादी सटक ली। ए नहीं बताऊंगा तो खुजाएगा तू? खुजाएगा नहीं, तेरे सारे राज मैडम सर को बताएगा और हम भी बताएंगे। हाँ। अब बोल। मेरे सारे राज? अच्छा ये मुझे देखो। हाँ। किसी को बताना मत। नहीं, इस टिफिन के अंदर एक नायाब चीज है। ये नायाब चीज मैंने नायाब के लिए, नवाब के लिए मंगवाई है। हाँ, हिमालय के अलग अलग वादियों से 626 जड़ी बूटियों से बना है। इसको पता है क्या बोलते हैं? यवन ब्रश। यवन ब्रश? कैसे? इस यवन ब्रश का सेवन करने से इंसान का यवन कायम रहता है, बरकरार रहता है, जवान रहता है इंसान। अरे तभी मैं सोचूं, ओ नवाब की जवानी खत्म ही नहीं हो रही है, बेगम पे बेगम बनाए जा रहा है वो। यस बिल्लू भाई, बिल्ला भाई, बिल्लू भैया भाई हो। अपने दोनों भाइयों को भी थोड़ा थोड़ा यौवन प्राश दो ना। थोड़ा थोड़ा? अच्छा थोड़ा 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 थोड़ा। मेरे राज बताने वाले थे ना मैडम सर को। कौन सा राज? कैसा? किसका राज? बिल्ले मैं तेरे सामने रिक्वेस्ट करता हूँ, माँ का, बाप का, दादा का, सबके तरफ से मैं माफी मांगता तेरे को, प्लीज मेरे को ये यौवन प्राश दे दे यार। एक 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 चम्मच ले लो। ठीक बाबू, चम्मच दो चम्मच। एक एक चम्मच का 100 रुपए। 100 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है तो ठीक है। मतलब रुक 100 क्या? पैसे दे। बिल्लू अपना भाई है। दे दो बिल्लू अपना भाई है। खोल नायाब चीज है। अबे बिल्ले, ये टिफिन से इतनी बदबू क्यों आ रही है? बदबू? राजी जड़ी बूटी का अपमान इंसल्ट नहीं मिलेगी। बिल्लू मेरे भाई, नाराज मत हो, सच बताइए बदबू क्यों आ रही है? अभी देखो ये बदनाम रोज रोज नहाता नहीं है तो इसके बदन से बदबू आती है, तो ये जड़ी बूटी प्राचीन जड़ी बूटी है तो ये बरसों तक नहीं होगी ना। हाँ। तो बदबू तो आएगी नहीं। अरे इसको सूंघोगे ना तब भी उड़ जाएगी। सुनाओ। अच्छा ये लो सुंघो। आई 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 आई, ऊर्जा का संचार हो रहा है। ले लो, तुम भी ले लो। नहीं नहीं सही है। आई ऊर्जा। अच्छा इसको हम खा सकते हैं? खा सकते हैं। अरे ये यवन प्राश है, इसको
सेवन करना होता है, प्राशन करना होता है, खा नहीं तो सेवन करे, सेवन करे, सेवन करे। एक कैसा कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी जवान हुआ हूँ, चारों दिशाओं से ऐसे जवानी फूट फूट जा रही हर जगह। यस जवानी, यस जवानी, हर जवान हुआ हूँ अभी। गोबर से इतनी शक्ति किसी, हाँ अच्छा लगा ना? हाँ बहुत अच्छी। बिल्लू अपना भाई है। चल अरे एक मिनट, एक मिनट। हेलो, मैं पहुंच ही गया हूँ, आप टर्न करके देखना, मैं सामने ही मिलूंगा आपको। हाँ हाँ मैं उड़ जाऊंगा, हाँ उड़ जाऊंगा। ये देख, ये चलो बिल्ली। हे हमा कोई है? इतना सन्नाटा का है आज? हाँ एकदम खाली खाली क्यों है? मतलब उस दिन तो एकदम भरा पड़ा था, कस्टमर आ रहे थे, जा रहे थे, खाना खा रहे थे, पी रहे थे, आज एकदम खाली खाली। ये देखो आगे। बिल्लू जी आपने हमारे इतने सालों की मेहनत पर गोबर फेर दिया, हम कितनी बार भी नहा ले हमारे शरीर से गोबर की बदबू जा ही नहीं रही, और कस्टमर तो बाहर ही से भाग जाता है गोबर की बदबू सूंघ के। उसको लगता है कि हमने रेस्टोरेंट नहीं तबेला खोल लिया है, और तो और पूरा स्टाफ ही छुट्टी पे चला गया। देखो नो टेंशन, अभी हमने आपके लिए ताजा ताजा गोबर मंगाया है, मतलब जैसे भैंस ने छोड़ा वैसे ही मैंने जमीन पर लगने से पहले लपक लिया, तो ये ताजा ताजा है, लगा लो। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ले लो। बिल्लू जी प्लीज डोंट माइंड, हमें ये आपका गोबर नहीं चाहिए। ये मेरा गोबर नहीं है, भैंस का गोबर है। रे यार अब जो भी हो भैंस को हमें नहीं चाहिए। हम अजीब तो पात नहीं हो तुम, ऐसे तो धाड़े मार मार के बोल रहे थे कि हाँ हम कॉपरेट करेंगे, हम कॉपरेट करेंगे, और अब देखो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं आप। देखो ऐसा जज्बात से समझा रहे, समझ लो वरना चुप रहो, वरना हमारा डिपार्टमेंट अलग है, हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ घूसे और लात का है, समझ रहे हो? का नमन नमन उजड़ा चमन। बुलबुल, हाँ बुलबुल क्या हुआ? मैं मनहूस आदमी यहाँ क्या कर रहा है? बिल्ली कहाँ छुपा है? छुपो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बिल्ली कहाँ छुपी? ये इधर। वाह बहुत बढ़िया बना। एक महीना से हम घर नहीं आए और आपको लगता है हम आपको याद नहीं करते हैं? बहुत याद करते हैं, बहुत याद। इसको याद नहीं उवासी बोलते हैं जो तुमको आ रहा है धर्मपत्नी। सभी पुलिस विभाग का यही हाल है पतिदेव, कोविड महामारी के चलते सब 24 घंटा से ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए दिन रात सुबह शाम लोगों की मदद के लिए। दो दो महीना से सब अपने घर नहीं गए, आपको पता है कोई भी अपने बारे में नहीं सोच रहा, तो फिर हम कैसे अपने बारे में सोच सकते हैं? वैसे भी कंटामिनेंट जोन के वजह से हमें एक नई जगह पर शिफ्ट कर दिया है, यहाँ बहुत पेंडिंग काम पड़े हैं और आप कह रहे हैं आराम कीजिए। अरे तो हम कब मना कर रहे हैं भाई, जो कर रही हो करो, बहुत अच्छा काम कर रही हो, पर अपने सेहत का भी तो ख्याल रखो ना। रखते हैं प्रतिदिन, रखते हैं ख्याल, आप भी अपना ख्याल रखिए, आप टेंशन मत लीजिए, और मैडम सर के आने का टाइम हो गया, चले करते हैं आपको फोन, ठीक है? अरे अरे सुनो सुनो बात तो सुनो। अब कहा? फोन रखने से पहले एक बार वो बोलो ना, आई लव यू बोलो ना। कहा आप भी अच्छा बोलते हैं, आई लव यू। ये आवाज को क्या हुआ तुम्हारी भाई? नहीं नहीं हमारा आवाज इतना गंदा नहीं है, ये चीता हमारे सामने उंगिया रहा है, बकर बकर करता रहता है नींदों में। अरे तुम उसको छोड़ो ना यार, तुम बोलो ना आई लव यू, जल्दी से बोलो ना आई लव यू। ठीक है अब रखते हैं। आई लव यू। तुम्हारी मैया की सासू मैया। कौन है? मैडम तुमको किस चीज का पैसा मिलता है? यहाँ बैठ के ये सपनों में बात करने का पैसा मिलता है, इश्क के चोट लड़ाने का पैसा मिलता है, या फिर काम करने का पैसा मिलता है? क्या करें मैडम, लेकिन सपना पर हम सबका जोर थोड़ी है। मुंह पे चिपके जो अब तोड़ी ना वो किसी मुजरिम का हड्डी नहीं, बल्कि हमारा प्यारा सा भोला सा क्यूट सा सपना था। हमारे सपना में ना इसे सनन सनन सन हवा चल रहा था। उसी हवा में ना संतू जी अपना जुल्फ ऐसे लहराते हुए प्यार से चलते हुए हमारी तरफ आई थी। हमारे पास आकर ना इसे एकदम भोलेपन से ऐसे खड़ी थी,
और हम भी संतू जी के बगल में खड़े थे, इसे एकदम गदगदाए हुए बावले से संतू जी को ना इसे अपना गला में भर लिए, उनके कंधा पर ऐसे झुक कर बोले कि हम संतू जी संतू है, भूल गए उसको नींद में चलने का बीमारी है। एक सेकंड पुष्पा, संतोष सो जाइए, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। भुट्टा खाना आपको सुबह सुबह। थूक देंगी, थूक देंगी, पीछे भागी। जल गया, बवाल कर देंगे, छुपाइए छुपाइए, इसको छुपा छुपा छुपाइए। नींद पूरा ना होने की वजह से ना बेध्यानी में ऐसा हो जाता है, सॉरी। नींद हमारी भी पूरी नहीं हुई है चीते, हम भी लगातार ड्यूटी कर रहे इतने दिनों से, हमसे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी। बताओ किसका नींद पूरा नहीं हुआ है? पुष्पा जी का। अच्छा तो वो कौन है जो हर दो घंटे बाद दो घंटे के लिए रेस्ट रूम में जाके ऐसे पसर जाता है, वो कौन है? तमीज से बात कीजिए, आप शायद भूल रही हैं हम सास हैं आपकी। नहीं नहीं, हमको याद है आप हमारी सास हैं, लेकिन वो घर पर। यही तो दिक्कत है ना। एक मिनट, अभी थके हारे हालत में ना मैडम सर यहाँ पर आती होंगी, आप लोग ऐसे लड़ते हुए देखेंगे क्या सोचेंगी, प्लीज मत लड़िए। मैडम सर आने वाली है, हमको यूनिफॉर्म पहनना ड्यूटी पर, हट के पुष्पा जी। हाँ हाँ, इन्हें यूनिफॉर्म पहना, हमारा दुपट्टा जला दिया। टेबल बंद क्या हुआ? आप ठीक तो है ना पुष्पा जी? हाँ हाँ, हम ही हैं, आप आइए, ये बाहर आइए। आइए मैडम सर, आइए आराम से। आप कब आई नाइट ड्यूटी से? बस अभी थोड़ी देर पहले, पता नहीं कैसे हमारी आंख लग गई। वो तो होगा ही ना मैडम सर, आपकी नींद कहाँ पूरी हो रही है, इतनी तो दिन रात ड्यूटी कर रही हैं। हमारी बात मानिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। पुष्पा जी यहाँ सबको आराम की जरूरत है, सबकी हालत खराब है। नहीं नहीं मैडम सर, आप प्लीज आराम कीजिए, आप थोड़ी देर सो जाइए, आपकी सेहत पे असर पड़ सकता है। चीता तुम फटाक से ना अदरक वाला कड़क चाय बोल दो मैडम सर के लिए। हा? जहर का प्याला पिलाता था बदनाम हुआ, लेकिन पिलाता तो था, अब हमको जाना पड़ेगा चाय बोलने के लिए, कहाँ करें। रुको 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 चीता, एक मिनट रुक जाओ। देखिए करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि हम सब थके हुए हैं, लेकिन बहुत काम है, खास करके अब जब ये थाना यहाँ शिफ्ट हो चुका है तो और भी जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं, हम आराम नहीं कर सकते। इनफैक्ट चीता तुम चाय ले ही आओ, हम चाय पीकर थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। जाओ। ठीक मैडम, ठीक। पुष्पा जी वो जो रिपोर्ट थी उसके बारे में हमने आपसे। अरे संतू, ओ ओ मैडम से कोई बात नहीं, अब शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, बहुत लोगों को बीमारी होती है नींद में चलने की। हा? मतलब आप नींद में चल रही थी तभी तो आप उनसे टकराई ना? हाँ संतू, हम नींद में चल रहे थे, थैंक यू हमें जगा दिया। हाँ? वैसे एक बात बताऊं, मैं भी कभी कभी नींद में चलती हूँ। संतू जी नहीं, सच में? हाँ, बस आपकी तरह से टकराती नहीं हूँ। ये गर्मी बहुत ज्यादा। मैडम सर आप चलिए। हाँ चलिए, ये तो खैर चलता ही रहेगा। अब कौन है? मैडम सर हम देखते हैं, वो देख लेंगे, आप चलिए ना। डेल्टा वन रिपोर्टिंग। करिश्मा सिंह क्या हुआ, आप कहाँ जा रही हैं? मैडम नहीं मैडम सर, आप आराम कीजिए, आपको आराम का सख्त जरूरत है, हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन आपको किससे बात हुई, आप कहाँ जा रही हैं बताइए। मैडम सर हम संभाल लेंगे, आप हम पे भरोसा रखिए। करिश्मा सिंह बात भरोसे की। मैडम हे भगवान, पता नहीं अब कौन सा नया झमेला खड़ा करने वाली, एक तो इनकी नींद पूरी नहीं हुई है मैडम सर, वैसे भी वो पगलाई हुई है, पता नहीं क्या सुन लिया वायरलेस पे, कुछ अनर्थ ना हो जाए। पुष्पा जी अब वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, चलिए। नहीं नहीं नहीं, आप बगल वाली सीट पे बैठिए, गाड़ी हम चला लेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है।
ठीक है ठीक है, आप चलाइए गाड़ी। संतोष शर्मा, हमें करिश्मा सिंह की लोकेशन बताते रहना, ठीक है? जी मैडम सर। चलिए। मैडम से सीधा चलते रहिए। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ 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 बाहर आओ और पीछे का दरवाजा खोलो। सुनाई नहीं दे रहा है? पीछे का दरवाजा खोलो नहीं तो अभी तुमको खोल देंगे यहाँ पे, समझे? क्या कहें हम तुमको, इंसान कहे या हैवान कहे, बताओ हमको, क्योंकि इंसान ना कभी ऐसा हरकत नहीं करेगा। और अगर हैवान होता तो वो तुमसे घटिया और बुरा नहीं होता। इंसानों की सांसें छीनने का जो तुमने ये नीच हरकत किया ना, इसके लिए हम तुम्हें क्या करें, जमीन में गाड़ दे या फिर आसमान में पहुंचा दे, बताओ हमको, बताओ। कहाँ ये बीच में टेम्पो खड़ा करके रखा है? एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, करिश्मा सिंह की बाइक। भाई साहब, ये मैडम कहाँ गई? ये रही करिश्मा सिंह, यहाँ क्या कर रही हैं? जरा बताने की जहमत उठाएंगी आप? मैडम सर, वायरलेस पे ऑक्सीजन सिलेंडर का काला बाजारी का टिप मिला था हमें। शक था कि इस टेम्पो में अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर गैर कानूनी तरीके से ब्लैक में बेचने के लिए लेके जाए जा रहे हैं। हमने टेम्पो का पीछा किया, टेम्पो को जब्त कर लिया। और टेम्पो ड्राइवर कहाँ है? वो इंसानियत का दुश्मन, इंसान की जिंदगी का सौदा करने वाले को क्या होना चाहिए था ना मैडम सर, हमने उसको वहाँ पहुँचा दिया। हाँ, लेकिन कहाँ? ऊपर। करिश्मा सिंह, ये क्या कह रही हैं आप? आप एक पुलिस ऑफिसर होकर ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? आपने एक आदमी को मार दिया। आप जानती भी हैं अब क्या होगा? हम आपके बारे में जो शुरुआत से सोचते आए ना, वही सही। आप एक इर्रेस्पॉन्सिबल, इमेच्योर, एरोगेंट पुलिस ऑफिसर हैं जो अपनी इस डंडे की फिलॉसफी को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, कानून तोड़ भी सकती है, कि इंसान को मार सकती है। अरे देखो ना, ये क्या है? देखो, हाँ, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हाँ, देखना। अरे बचाओ 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 बचाओ। अब हम खुद आपके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। और ऐसी मैडम सर, मैडम सर, क्या है पुष्पा जी? वो ऊपर तो देखिए। बचाओ 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 बचाओ, छोड़ दो मैम, बचाओ। हम जानते हैं मैडम सर, हम कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन आप पे अपना भरोसा कभी नहीं बना पाएंगे। बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन हम भी ना, बचपन से हमारा बहुत सीरियस प्रॉब्लम रहा है कि हम बहुत जिद्दी हैं, तो ठान लेते हैं वो करते रहते हैं। इसके एक दिन बहुत जल्द हम आपको ये प्रूफ करके रहेंगे कि हम भी एक जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं और कानून का उतना ही सम्मान करते जितना आप करते हैं। करिश्मा सिंह, देखिए आप सही कह रही हैं, हमने गुस्से में आपको कुछ ज्यादा ही कह दिया। आई एम रियली सॉरी। आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं और
हमें आप पर पूरा भरोसा है, ठीक है? I'm sorry. मुझे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मैडम, मेरा हाथ छूट रहा है मैडम, मेरा हाथ छूट रहा है मैडम. सुनिए तो, आपने उसे हवा में उड़ा तो दिया, आप उसे नीचे कैसे उतारेंगी? मजा आ गया मैडम, क्या सबक सिखाया आपने इस बदमाश को, इसीलिए आपके महिला थाने का नाम इतना फेमस है. बढ़िया मैडम, बहुत ही बढ़िया. आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये काम हमने अकेले नहीं किया, हमारी पूरी टीम ने हमारा साथ दिया है, खासकर एक इंसान ने जिसकी वजह से आज ये क्राइम होने से पहले रुक पाया, और वो है हमारे थाने की एस आई करिश्मा सिंह. मैडम सर, आप दोनों चश्मे लगाइए ना, क्या है ड्यूटी की वजह से नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो आँख के नीचे वो डार्क सर्कल्स है ना, छुप जाएंगे. शिव जी, इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे, नजर ना लगे इन दोनों को. हसीना मैडम, हसीना का लग रही है, मतलब का लग रही है, नॉर्मली तो लग रही है जैसे लगती हैं. और आपका मैडम, आपका फोटो नहीं छपा, लोग आपका फोटो काट दिया, मतलब जो असल में केस सॉल्व किया उसी का फोटो काट दिया. अरे तो बहुत गलत है भाई, बहुत ज्यादा गलत है. लेकिन ये बात भी सही है मैडम, क्या है कि फिल्म में तो एक ही तो हीरो होता है ना, और यहाँ की हीरोइन तू है, मतलब थाना की इंचार्ज तो वही है ना. हाँ, अगर ये थाना की इंचार्ज आप होती तो आज आपका भी फोटो लगा होता है यहाँ पर, आप क्या कर सकते हैं. मैडम, आपके लिए लेटर आया. हमारे लिए लेटर आया इस पते पे, कौन भेजा? क्या आप पता, कुछ अच्छा ही होगा. हाँ दिखाओ. हम पढ़ते ना. एक मिनट पुष्पा जी, हमारा लेटर है तो पहले हम पढ़ लेंगे. तुम पढ़ो. चीता मैडम, हमको ना, हमको नहीं पढ़ना था, जब आप पढ़वा रही हैं मैडम. जय मैडम सर. जय हिंद. क्या हो रहा है यहाँ पर? वो क्या है, करिश्मा जी के लिए खत आया ना, तो वो पढ़ लीजिए. हमारा मैडम सर, हमारे लिए आया. सरकारी खत है करिश्मा सिंह. कहा मैडम सर, कहा लिखा है लेटर में? आपका ट्रांसफर लेटर है. आपको बुलबुल पांडे के थाने में ट्रांसफर किया जाता है एज अ स्टेशन इंचार्ज. ये अचानक ट्रांसफर कैसे? बुलबुल पांडे हॉस्पिटलाइज्ड है. हमको मैडम, जैसा उसका हरकत है ना, हमको पूरा यकीन है कोई बहुत मारा होगा उसको. नहीं नहीं चीते, वो बहुत ज्यादा अपना दिमाग चलाते हैं ना, तो शायद ब्रेन ट्यूमर हो गया होगा. उफ, ये तबीयत खराब होने की वजह से बुलबुल पांडे हॉस्पिटलाइज्ड है, और उन्हें रिकवर होने में शायद थोड़ा वक्त लग जाए, इसलिए तब तक के लिए आप वहां जाएंगी, वहां की इंचार्ज बन के. कब लेना है करिश्मा मैडम को चार्ज? आज ही. हाँ
हाँ, इसमें लिखा है कि जैसे ये लेटर आपको मिले वैसे ही आप ड्यूटी ज्वाइन करें। जी। देखिए सर, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम भी यहाँ बहुत अंडरस्टाफ्ड हैं और बहुत ओवरवर्क्ड हैं। करिश्मा सिंह अगर अभी यहाँ से चली गई तो हम कैसे मैनेज करेंगे सर? हम बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आप प्लीज कुछ भी करिए और करिश्मा सिंह का ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करवाइए। का समस्या का है मैडम सर का? काई नहीं चाहती कि हम भी स्वतंत्र रूप से कोई थाना संभाले और साबित करे कि हम भी अकेला थाना चलाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। मतलब इनको अब भी यही लगता है कि हम अकेले थाना चलाने में सक्षम नहीं है। जी सर आप ठीक कह रहे हैं। हम आपकी परेशानी भी समझते हैं। जी सर, ठीक है सर, फिर हम फोन रखते हैं। जय हिंद। क्या हुआ, क्या कहा डीएसपी सर ने? वही जो लेटर में लिखा है पुष्पा जी, हर जगह यही हाल है। महामारी की वजह से सारे पुलिस स्टेशन अंडरस्टाफ्ड हैं। कुछ दिनों के लिए हमें करिश्मा सिंह को बुलबुल पांडे के थाने भेजना ही होगा। सरकारी ऑर्डर है। अब ऑर्डर है तो क्या कर सकते हैं ना? सरकारी आदेश काबिल ना तो हम नहीं कर सकते हैं। वैसे भी कुछ दिनों का बात है, वापस तो हमको यहीं आना है। अब ठीक है, तो फिर यही सही, हम पैकिंग करते अपना जाके। जय। ये मासूमियत है? अरे हम जंग पे थोड़ी जा रहे हैं शहीद होने संतु, बगल वाला थाना में जा रहे हैं। जब तुमको हमारी याद आए तुम भागी चली आना। टोपा वाला चेहरा लेके हमको मत भेजो अभी यहाँ से। ठीक करो अपने चेहरे को, ये रोंडरी शक्ल हमको नहीं चाहिए। हंसो हंसो और हंसो और हंसो और थोड़ा और। ये हुई ना बात, जब भी मन करे मिलने आ जाना। चीता अनजाने में सही, लेकिन तुमने बहुत पते का बात भूल दिया। तुमको पता है? तुमने सही बोला, हीरो एक ही होता है। दूसरा जितना मर्जी मेहनत कर ले, जितना भी कोशिश कर ले, वो साइड हीरो ही रह जाता है। बहुत हो गया ये साइड हीरो का रोल, अब हम भी हीरो बनेंगे और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ना सिर्फ हम आएंगे। आ गए आपके पास? नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा पुष्पा जी, आप काहे उदास हो रही हैं? नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि कुछ दिनों के लिए ही सही बला तो टली। खाइए मजे से आपके गोलगप्पे, चाट मसाले और आपके ये छोला भटूरे, सब भर भर के, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। हजम भी तो होना चाहिए ना, आपसे बिना लड़े खाना पचता कहाँ है हमें। अरे हम जहाज के पंछी हैं, जाएंगे भी तो वापस जहाज में ही आएंगे ना, लौट के घर ही आएंगे ना। फिर निकाल लीजिएगा जितना भड़ास निकालना होगा आपको हम पर, ठीक है? तब तक आप ध्यान रखिए और ये गोलगप्पे वाला चेहरा अपना ठीक कीजिए। आप मुस्कुराइए थोड़ा, हमको नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे जाना, आप सब ऐसे उदास। और फिर देखिए, वहां जाके अपना जो दिमाग है ना, जो हमेशा गर्म रहता है, उसे ठंडा रखिए। हम ठंडा ही रहते हैं और अपनी सेहत सुनती भी नहीं हमारी। करिश्मा सिंह, आपको बहुत मिस करेंगे। अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद मैडम सर। मैडम, मैडम, आपके विदाई के लिए पर्सनली हमारी तरफ से एक तो सरप्राइज है। आइए मैडम, आइए। चलिए। आइए, आइए मैडम। ऐसा क्या, आइए आइए, क्या हो गया भाई? अच्छा है ना? बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलते हैं। करिश्मा सिंह, हम आपको छोड़ दें?
नहीं मैडम सर, हम चले जाएंगे। और वैसे भी जिंदगी में एक टाइम आने के बाद इंसान अपना रास्ता खुद ही बनाता है, और हमें लग रहा है हमारा वो टाइम आ गया जब हम अपना रास्ता खुद बनाएं। आपके भरोसे कब तक कटेगी? करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरा थाना आपको अकेले संभालना है, और आप नहीं संभाल पाएंगे, ठीक से नहीं कर पाएंगे, यही ना? नहीं, हम ये नहीं कहने वाले थे। हम ये कह रहे हैं कि और आपको अगर कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कीजिएगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। जरूरत तो आपको भी माना पड़ेगा मैडम सर, आप हमें याद कीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे, आप जैसा ना सही लेकिन आपसे कम भी नहीं। बिल्कुल, जय हिंद। हे भोलेनाथ, हमें आसार ठीक नहीं लग रहे हैं, ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही है। भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। पता नहीं हमें क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है।